नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। वैसे तो मैंने कल भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, बट कमेंट्स यही है कि क्या करें, बहुत गिर गए हैं शेयर्स, लॉस हो रहा है, कितना गिर सकते हैं, क्यों गिर रहे हैं, कब से तेजी लौट सकती है, बने रहें या निकल जाएं। और शायद अगर आपके पास भी ये शेयर्स होंगे तो आपके दिमाग में भी इनमें से ही कोई ना कोई सवाल होगा। एंड एक और सवाल कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आता है जिनके पास नहीं होते हैं, कि मेरे पास तो भैया पैसा पड़ा है और मैं पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैं कहां लगाऊं, क्या मेटल स्टॉक्स में लगा दूं, और अगर हाँ तो कौन सा हो सकता है वो बेस्ट स्टॉक जहां मेरा पैसा बन जाए। सबसे पहले एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे ये शेयर्स गिर क्यों रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं कि इन शेयर्स की जो ये गिरावट है कितनी टिकाऊ है, कितनी वैलिड है। स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर कहीं गलत जगह डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, तो आप सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव कीजिए, एक अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़िए जो आपके साथ लाइव सब शेयर करते हैं। अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, चार्जेस कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जब भी सौदा करोगे सामने दिखेगा कि इतने चार्जेस लगेंगे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो आपका कैपिटल सेफ है। 1 करोड़ से ज्यादा इनके पास क्लाइंट बेस है, तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जाइए, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि ये शेयर्स गिर क्यों रहे हैं। तो भैया शेयर्स गिरने के पीछे का रीजन है कमोडिटी में बेस मेटल्स के प्राइसेस जो गिरे हैं दुनिया भर के बाजारों में, यानी कि मेटल स्टॉक्स कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक है। अगर टाटा स्टील का शेयर है तो स्टील के प्राइसेस अगर ऊपर जाएंगे कमोडिटी में, तो फिर टाटा स्टील का शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। अगर स्टील के दाम नीचे जाएंगे तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर जो भी स्टील से स्टॉक रिलेटेड है वो नीचे जाएगा। अगर एल्यूमिनियम के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो हिंडाल्को ऊपर जाएगा, नेशनल एल्यूमिनियम ऊपर जाएगा। अगर एल्यूमिनियम के प्राइसेस नीचे जाएंगे तो ये दोनों नीचे जाएंगे। अगर जिंक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो हिंदुस्तान जिंक भी ऊपर जाएगा। अगर मिक्स यानी कि सब थोड़ा थोड़ा ऊपर है, चांदी ऊपर है, सिल्वर का प्राइस, तो आपके लिए वेदांता के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो ये कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक ही ना। और जितने भी कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक होते हैं शेयर बाजार में, उनको स्टडी आपको ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप नोटिस कर पाए होंगे, कभी मैंने आज तक लॉन्ग टर्म पर्पस से कभी कोई अपनी तरफ से मेटल में से रिकमेंड या शेयर सजेशन कुछ भी नहीं करा होगा। इसके पीछे का रीजन यही है कि मुझे पता है आप नहीं कवर करोगे उसको, नहीं इतना कुछ समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तो बेकार है उसको कवर करना। प्लस मैं भी उतना इन पे फोकस नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग पर्पस से, पोजिशनल पर्पस से कंटिन्यू बात करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ स्टॉक्स। जब बात करता हूँ मेटल स्टॉक्स की तो ये भी शेयर करता हूँ कि लॉन्ग टर्म पर्पस में कौन सा अच्छा दिखता है, बट कभी खुद पोर्टफोलियो बना रहा हूंगा लॉन्ग टर्म की तो नहीं शेयर करूंगा, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली शेयर करता रहता हूं। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। देखिए सबसे पहले तो अगर पोजीशन है लॉस में बैठे हो, जैसे गिरा है मेटल इंडेक्स, तो डरो मत, क्योंकि मेटल इंडेक्स की यही खूबसूरती है, जिस दिन गिरता है अच्छा गिरता है, काफी अच्छा गिरता है, वॉलेटाइल रहता है ये और डरा देता है लोगों को अगले दिन से तेजी में। जिस दिन तेजी में होता है, अच्छी तेजी में होता है, लोगों को अपने लिए फोमो शिकार करवा देता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, सब खरीद लेते हैं, अगले दिन गिर जाता है। ये मेटल्स का एक नियम है, ये मेटल इंडेक्स ऐसे करती ही करती है, आपको इतना समझ लेना चाहिए। तो आप इस गिरावट में डरो मत, दोबारा से आपके लिए 2-4 दिन में ऊपर आते हुए दिखेंगे। ये गिरावट का रीजन है ग्लोबल मार्केट में जो बेस मेटल्स के प्राइसेस गिरे हैं। चाइना की तरफ से अभी पॉजिटिव ही आ रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं आया है, जिस दिन नेगेटिव आएगा तो हम देखेंगे। अब बात करते हैं एक एक करके स्टॉक्स के बारे में। तो आपके पास चाहे वेदांता हो, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे टाटा स्टील हो, तीनों स्टॉक्स अपने खरीदारी के आसपास आ रहे हैं, लेवल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। चाहे आपके पास बचे हुए कोई कमोडिटी बचा हुआ कोई मेटल स्टॉक हो, लाइक हिंदुस्तान जिंक हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या कोई भी हो गया, तो वहां भी आपको घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं कवर क्योंकि टाटा स्टील, हिंडाल्को और वेदांता ज्यादा करता हूं, तो उस पर ही बात करूंगा। और लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे अगर स्टील में रहना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद है, और टोटल मेटल में पूछोगे तो फिर जेएसडब्ल्यू स्टील प्लस हिंडाल्को अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म पर्पस से, क्योंकि मैंने इन कंपनीज की कमेंट्री देखी थी तो वो अभी तक तो स्ट्रॉन्ग ही आ रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल बेसिस पे कि क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले इंडाल्को की बात कर लेते हैं। 408 की क्लोजिंग है,
404 का पहला बढ़िया सपोर्ट है, उसके बाद 380-395, ये ड्रीम लेवल होते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से लेने के लिए। तो ये अब खरीदारी की बेस्ट रेंज में आ रहा है, स्टॉप लॉस ना लगाएं, खरीदने के मौके ढूंढें कैश मार्केट में। समय सीमा थोड़ी बड़ी करनी है, इसलिए ज्यादा मत खरीद लेना, बाकी कहीं काम ही ना कर पाओ, सारा लगा दिया, ठीक है, ये मत करना। टाटा स्टील मैं ऑलरेडी चिल्ला रहा था कि भैया मुझे 108 के आसपास चाहिए, 108 के आसपास चाहिए, 109.60 पे आ गया, 108 के आसपास आ गया, यही मेरे लिए लेवल है जहां से स्टॉक घूमना चाहिए, ऊपर दोबारा 111 114 के लेवल दिखाना चाहिए। वेदांता स्टॉक अपने 275 के एसएल के पास आया है, 275 का एसएल ब्रेक भी होगा तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, 270 पे अगला सपोर्ट है, 265 पे उसका अगला सपोर्ट है, ये दो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नहीं ब्रेक होंगे स्टॉक के, बड़ी बड़ी गिरावट में नहीं टूटे तो अब क्या टूटेंगे, और इनकेस टूटा 265 तो फिर प्रॉपर एग्जिट है, लेकिन वो टूटेगा नहीं, दिख नहीं रहा है, दोबारा 285 87 95 के आसपास आपको स्टॉक आता हुआ दिखेगा, तो टेंशन फ्री होके बने रहिए। तो ये तीनों ही मेटल स्टॉक्स के ऊपर वीडियो, होप आप लोगों को समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।